महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास का ऐसा युद्ध था जो कि विशेषज्ञों के अनुसार उस समय खून की नदियां बह गई थी। उस खून के कारण कुरुक्षेत्र की मिट्टी अभी भी लाल रंग से ढकी हुई है, जिसके कारण उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अभी भी कोई सी भी घास नहीं उगती। उस युद्ध में लगभग महाभारत के सारे योद्धा ही मारे गए थे, जिसका आज भी इतिहास गवाह है। लेकिन हम आज इतिहास की ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो महाभारत युद्ध के 15 साल बाद घटित हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एको वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा, जैसे कि भीष्म, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र व कर्ण, शिखंडी आदि, एक रात के लिए सभी पुनः जीवित हो गए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह उस समय की बात है जब राजपाट छोड़कर धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहा करते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पधारे, तभी यह घटना घटी। विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने प्राण त्याग दिए हैं, तब वेदव्यास जी ने बताया कि विदुर धर्मराज और यमराज के अंश थे और युधिष्ठिर में भी धर्मराज के अंश थे, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर में समा गए हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की और द्रौपदी आदि ने कहा कि वे अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। वेदव्यास जी ने कहा ऐसा ही होगा, युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात को तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास जी ने सभी को गंगा तट पर चलने को कहा। वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर इकट्ठा हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर वेदव्यास जी ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव के पक्ष में सभी मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी खुश हो गए। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।